हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग से। आज हम न्यू वीडियो के साथ हैं। टॉपिक है हमारा VSEPR थ्योरी, ओके, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लास्ट क्लास में जो हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा था, लुईस ने जो हमने शॉर्ट ट्रिक से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, लुईस ने स्ट्रक्चर तो बना दिए थे बट उनकी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताया था, शेप्स नहीं बताई थी। VSEPR बताएगा हमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है और उनके एंगल्स क्या क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं VSEPR। फर्स्ट ऑफ ऑल VSEPR होता क्या है? तो VSEPR थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय शेप्स पता चल जाएगी मॉलिक्यूल्स की, जिसकी फुल फॉर्म होती है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, CBSE और एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग भी। ओके, ये ऐसे लिखा हुआ है वैलेंस शेल। तो VSEPR हमें क्या बताती है? हमने बताया था, देखो जो लुईस कॉन्सेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो लुईस ने था, मैं शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं बताया था। एंड एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो लुईस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से देख सकते हो वाली वीडियो भी। जो लुईस कॉन्सेप्ट था, उन्होंने देखो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर दिया था, डॉट स्ट्रक्चर हमने जो बनाया था, बट उनकी शेप नहीं बताई थी। शेप मतलब जो हम आगे पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, प्लेनर, सीसो, ओके, इस टाइप की शेप्स जो होती है वो लुईस ने नहीं बताई थी। वो हमें किसने बताई थी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में VSEPR थ्योरी भी बोला जाता है। और साथ के साथ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। एनर्जी कॉन्सेप्ट आगे MOT बताएगा डिटेल में, बट यहाँ पर हम शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो शेप्स ड्रॉ करने से पहले पहले हम VSEPR के पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं हम पोस्टुलेट्स। अब हम करते हैं इसके पोस्टुलेट्स, इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए पोस्टुलेट्स। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पोस्टुलेट्स मिल जाएंगे, पर सबका मतलब एक ही होता है। ओके, तो फर्स्ट पोस्टुलेट, द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दैट इज बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड बाय एटम। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो ज्योमेट्री है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, मीन्स जैसे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं और लोन पेयर कितने किसी भी एटम के सराउंडेड में, तो वो हमें ज्योमेट्री बताएगी। सेकेंड, इफ सेंट्रल एटम इफ सेंट्रल एटम
इज सराउंडेड बाय, इस सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा है, ओके, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली. द रिपल्शन बिटवीन दम, द रिपल्शन बिटवीन दम, बिटवीन दम आर सिमिलर, द रिपल्शन बिटवीन दम आर सिमिलर. एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्री, मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्री एंड रेगुलर ज्योमेट्री, एंड रेगुलर ज्योमेट्री. तो सेकेंड पोस्टलेट क्या बोल रहा है, इफ सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली, अगर सेंट्रल एटम के सराउंड में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, कोई लोन पेयर नहीं होगा, तो उस केस में मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा और ज्योमेट्री इसकी रेगुलर होगी. अगर कोई लोन पेयर नहीं होगा तो मॉलिक्यूल सिमेट्री होगा और ज्योमेट्री इसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगा, ओके. तो नेक्स्ट पोस्टलेट, थर्ड पोस्टलेट से, इफ सेंट्रल एटम linked with different atom, different atom and surrounded by lone pair, surrounded by lone pairs as well as bond pair of electrons, the repulsion between them are different. As a result, the molecules are unsymmetry and irregular geometry. तो ये थर्ड पोस्टलेट है. थर्ड पोस्टलेट क्या बोल रहे हैं, इफ सेंट्रल एटम लिंक्ड विद द डिफरेंट एटम एंड सराउंडेड बाय लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेंट्रल एटम किसी डिफरेंट एटम से अटैच है, मतलब किसी भी एटम से, और उसके पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं, ओके, तो उस केस में जो उसकी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री है वो इरेगुलर होगी और अनसिमेट्री, ओके. तब लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों हो तो अनसिमेट्री होता है, तब सराउंडेड में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो तो सिमेट्री होता है, जो हमने सेकंड पोस्टलेट में पढ़ा था. एंड थर्ड पोस्टलेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इट फाउंड दैट द रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर greater than lone pair bond pair and which is greater than bond pair. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो lone pair repulsion होती है वो ज़्यादा होती है किससे, lone pair bond pair से, और lone pair bond pair ज़्यादा होती है bond pair. ये तब हम structures draw करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे. एंड फिफ्थ, double bond आर मोर रिपल्सिव देन, मोर रिपल्सिव देन
सिंगल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड होता है वो ज़्यादा रिपल्सिव होता है, ये पोस्टलेट बताता है। ओके सिंगल बॉन्ड से, एंड ट्रिपल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड मोर रिपल्सिव देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड, डबल एंड सिंगल बॉन्ड। देखो फिफ्थ पोस्टलेट क्या बोलता है, जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा रिपल्सिव होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड पाई होता है और जो कि एक तरह से रिपेल करता है न्यूक्लियोफाइल को, वो तो ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। ओके वो बात की बात है। तो अभी हमें क्या बताया कि डबल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्सिव होगा सिंगल से और ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्सिव होगा डबल एंड सिंगल बॉन्ड से, जो कि हमें VSEPR थ्योरी बताती है। तो ये कुछ पोस्टलेट है और कुछ डिफरेंट पोस्टलेट्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बट सबका मतलब यही है। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टलेट बोलता था कि ज्योमेट्री हम कैसे निकालेंगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का यूज़ करके। अगर बॉन्ड पेयर है सराउंडिंग में तो सिमेट्री होगा, अगर बॉन्ड और लोन पेयर दोनों हैं तो अनसिमेट्री हुआ। फोर्थ पोस्टलेट बोलता था कि लोन पेयर रिपल्शन ज़्यादा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर ज़्यादा होता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। एंड फिफ्थ, डबल बॉन्ड आर मोर रिपल्सिव देन सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड मोर रिपल्सिव देन डबल एंड सिंगल बॉन्ड। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, VSEPR कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फ्लो चार्ट्स हैं, पहले हम वो बनाएंगे फिर शेप्स ड्रॉ करेंगे। अब हम कुछ इसके फॉर्मूला लिखेंगे जिससे हम VSEPR की में मॉलिक्यूल की शेप कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, हमने पीछे जैसे कि लुईस डॉट में भी ट्रिक पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन में, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मेथड है। तो पहले हम निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। ओके सेंट्रल एटम के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और सराउंडिंग एटम का चार्ज, और उसको डिवाइड कर देना है किससे, टू से। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम के तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं हमें और सराउंडिंग एटम का चार्ज, जो भी आएगा उनको दो से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे एक याद रखना इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले में जो सराउंडिंग एटम का जो चार्ज है -1 हो या +1, हम उसे 1 लेकर चलेंगे। ओके हम क्या मानेंगे उसे 1। अगर -2 हुआ या +2 हुआ या -3 हुआ +3 हुआ, इन सबको 0। सिंपल सा है कि -1 और +1 को 1 लेना है, उसको छोड़ के जो भी सराउंडिंग एटम का चार्ज आ रहा है -2 +2 -3 +3, ओके या फिर 0, जो भी आ रहा है सबको हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, 0। ओके ये छोटा सा फॉर्मूला है, इससे सारी शेप्स निकल जाएगी। VSEPR थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें मॉलिक्यूल्स की शेप्स वगैरह सब कैलकुलेट करेंगे। तो आगे हम करते हैं एक छोटा सा टेबल, जो फर्स्ट टाइम करने उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखो तो मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ ज्योमेट्री अगर AB2 की फॉर्म में, ये AB2 फॉर्म क्या है ये अभी हम क्वेश्चन में भी समझेंगे, तो वो होगा लीनियर। AB3 ट्राइगोनल प्लेनर, AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 पेंटागोनल बाय पिरामिडल
AB6, तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, AB6 ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये पेंटागोनल नहीं ट्राइगोनल है, सॉरी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एंड AB7 क्योंकि सबसे कम पूछा जाता, पूछा ही नहीं जाता वैसे, होता पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। ओके तो ज्योमेट्री ये फर्स्ट लीनियर थी, ठीक है। अब आता शेप्स, शेप अगर लोन पेयर वन हो, लोन पेयर टू हो एंड लोन पेयर थ्री, देखो जैसे ही लोन पेयर आएगा उनमें रिपल्शन हो जाएगी, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन, लोन पेयर की रिपल्शन, जिसके कारण एंगल रिड्यूस हो जाते हैं और जिसके कारण जो शेप्स है वो चेंज हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट। तो लीनियर केस में एक भी लोन पेयर नहीं होगा हम करेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर में अगर जब एक लोन पेयर होता है तो उसको हम वी शेप बोलेंगे, वी शेप, या फिर बैंड भी लिखते हैं। टेट्राहेड्रल में अगर एक लोन पेयर आता है तो उसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, पिरामिडल। और दो लोन पेयर होगा तो टेट्राहेड्रल के केस में उसमें बैंड बोलेंगे उसको। बैंड को कुछ बुकों में वी शेप भी लिखा था। तीन लोन पेयर होंगे ही नहीं, ये टेबल उनके लिए जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या जिनको इतनी सारी शेप्स याद नहीं हो पा रही कि किसकी कौन सी है लोन पेयर, तो वो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में अगर एक लोन पेयर होगा तो उसकी शेप होती है सी सो। ओके अगर दो लोन पेयर होंगे तो उसकी शेप होती है टी शेप। ये सारी शेप अभी हम ड्रॉ करेंगे कौन सी कैसी होती है। एंड तीन लोन पेयर होंगे तो उसकी शेप होगी लीनियर। ओके ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर एक लोन पेयर होगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, उसकी शेप स्क्वायर पिरामिडल। दो लोन पेयर होगा तो उसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, तीन होएगा ही नहीं। और पेंटागोनल वाला नॉर्मल आता है, पूछा नहीं जाता उससे ज़्यादा। तो ये हमारे पास कुछ शेप्स और ज्योमेट्री का एक छोटा सा टेबल है, इसके बेसिस पे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर जिसको ज़्यादा डायरेक्ट याद है करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है। तो अब हम ड्रॉ करते हैं शेप्स। तो ये VSEPR शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताता है कैसे और कैसे शेप बनती है, वो सारी शेप्स हम ड्रॉ करेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स करेंगे यहाँ पर। ओके तो स्टार्ट करते हैं पहला। तो पहली शेप हम ड्रॉ करते हैं तो VSEPR से। ओके तो पहला हम लेते हैं PeCl2, इजी से स्टार्ट करेंगे, टफ तक जितने भी आयनिक मॉलिक्यूल्स हर टाइप के। ओके छोटे बड़े सब करेंगे। तो पहला आता है BeCl2। देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, बैक में अगर देखो, देखो ये दिख रहा है ये बैक साइड पेज में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाले टोटल तो कैसे निकलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम एंड चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। सेंट्रल एटम का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए और सराउंडिंग वाले का हमें चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। सेंट्रल देखो कौन सा है, यहाँ पे कॉमन सी बात है, एक बेरिलियम है और दो क्लोरीन, ये सेम हमने लुईस डॉट में भी ऐसा पढ़ा था और उधर हाइब्रिडाइजेशन में भी। तो सेंट्रल में कौन हुआ, कॉमन सी बात है बेरिलियम ही होगा और सराउंडिंग में क्लोरीन, तो सेंटर के तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बेरिलियम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, टू प्लस, क्लोरीन कितने, दो, और क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, इसका चार्ज लेना है, और चार्ज मैंने बताया था माइनस वन हो या प्लस वन, वन लेंगे, माइनस टू प्लस टू, माइनस थ्री प्लस थ्री को जीरो लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस वन है जिसको हम वन लेंगे, तो बस ये करना, और डिवाइडेड बाय टू, तो कितना आ गया 4/2, देन कट कर आया टू। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉन्ड पेयर
और लोन पेयर की, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। इसके सराउंडिंग में दो क्लोरीन है, तो कम से कम दो तो बॉन्ड होंगे। टोटल में से दोनों ही बॉन्ड पेयर में चले गए, तो लोन में कितने बचे हैं? लोन पेयर में जीरो। ओके, तो ये याद रखना, बेरिलियम के सराउंडिंग में दो क्लोरीन है, टोटल में से दोनों के दोनों बॉन्ड में चले गए, दो क्लोरीन है तो दो तो बॉन्ड कम से कम होंगे। दोनों बॉन्ड पेयर में चले गए, तो लोन पेयर कितने बचे हैं? यहाँ टोटल दो थे, तो लोन पेयर बचा जीरो। तो ये हो गया बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब हमें बताना ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड शेप। अब देखो यहाँ पे टू आया, अभी हमने पीछे टेबल करा था ए बी टू। ओके, तो आपको ये देखना है ये बी कितना है, यहाँ पे टू आया है, ये टू किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो सर्कल में मैंने करा है वो इस टेबल के बी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बी टू क्या आता है ज्योमेट्री बी टू में, जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस बी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे। ओके, छोटी सी ट्रिक ही मान लो एक तरह से, आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी होती है आई थिंक। तो ये बी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी टू, टू किसके लिए ज्योमेट्री? क्या है? लीनियर है, तो ज्योमेट्री तुम्हारी होगी सिंपली लीनियर। और अगर मैं शेप की बात करूँ, देखो यहाँ पे लोन पेयर कितना है? लोन पेयर जीरो है, और लीनियर में लोन पेयर होते ही नहीं है, तो इसकी शेप भी क्या होगी? कोई रिपल्शन नहीं हो रहा लोन पेयर का, तो शेप भी क्या होगी? सेम। ओके, तब लोन पेयर ना हो तो शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। ओके, तो लीनियर शेप क्या होती है? देखो ये रहा, वन बाई वन और भी एग्जाम्पल करेंगे। बी ई सी एल, सी एल, और ये एंगल 180 डिग्री लीनियर। ओके, तो बिल्कुल इजी था। अगला करते हैं, देखो नेक्स्ट बी एफ थ्री। तो वही अपना मेथड, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन या चार क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद सारे कर दोगे, सारे मतलब हर टाइप के स्ट्रक्चर की शेप बता दोगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की, सॉरी। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल में क्या है? बोरोन, क्योंकि सराउंडिंग में तीन फ्लोरिन है। ओके, सेंटर में क्या है? बोरोन। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? थ्री। सराउंडिंग में फ्लोरिन कितना है? तीन। फ्लोरिन पे चार्ज कितना होता है? -1। -1 हो या +1, हम 1 लेते हैं फॉर्मूले में, डिवाइडेड बाय 2। ये एक फॉर्मूला है। ओके, बुकों में मिलेगा या नहीं मिलेगा देख लेना, ये मान लो एक तरह से ट्रिक है। तो ये आएगा कट पिट गया 3। ओके, तो 6/2 ये आ गया 3। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होंगे? देखो बोरोन के सराउंडिंग में तीन फ्लोरीन है, तो तीन तो बॉन्ड कम से कम होंगे, टोटल में से तीनों ही बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर कितना बचा? जीरो। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगी? ज्योमेट्री को जी से लिख रहा हूँ मैं, शेप को एस। ओके, तब बॉन्ड पेयर तीन हो, मतलब ये देखो मैंने बताया था ये थ्री का मतलब है ए बी थ्री, ये थ्री को रिप्रेजेंट, इसको कर रहा है रिप्रेजेंट। ओके, तो ए बी थ्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। देखो ये दिख रहा, ए बी थ्री ट्राइगोनल प्लेनर, तो ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और लोन पेयर क्या है? जीरो। लोन पेयर क्या है? जीरो, क्योंकि देखो टोटल तीन आए थे और तीनों के तीनों बॉन्ड में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि बोरोन के सराउंडिंग में तीन फ्लोरीन है, तो तीन तो कम से कम बॉन्ड होंगे ही, तीनों बॉन्ड पेयर में चले गए थे, लोन पेयर हो गया था जीरो। तो तब लोन पेयर जीरो हो तो शेप चेंज नहीं होती, सेम रहेगी, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर बिल्कुल इजी था। तो कैसी है तो ट्राइगोनल प्लेनर? ये बी एफ एफ एंड एफ, बॉन्ड एंगल होता है यहाँ 120 डिग्री, तो ये होती है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ओके, नेक्स्ट पहले इजी वाले करते हैं, फिर थोड़े थोड़े टफ की तरफ चलेंगे। सी एच फोर मिथेन। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम कार्बन चार, सराउंडिंग एटम पे चार्ज। देखो हाइड्रोजन का एक ही होगा, मैंने बताया था -1 हो या +1, 1 लेते हैं, चार हाइड्रोजन थे, डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 8/2 एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 4। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? चार हाइड्रोजन है, तो कम से कम चार बॉन्ड तो होंगे, टोटल में से चारों बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर कितना हो गया? जीरो। लोन पेयर वाले केस अभी आगे आएंगे, पहले हम सिंपल सिंपल कर रहे हैं। अब बताओ इसकी ज्योमेट्री एंड शेप क्या होगी? देखो ये ए बी फोर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फोर बी, जो फर्स्ट टाइम है वो टेबल से भी देख सकते हैं। ए बी फोर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ओके, जो फर्स्ट टाइम है,
तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्रा हेड्रल। कोई भी लोन पेयर नहीं है तो शेप सेम रहती है, टेट्रा हेड्रली, क्योंकि कोई रिपल्शन नहीं हो रही लोन पेयर या बॉन्ड पेयर के। टेट्रा हेड्रल शेप क्या होती है सभी को पता है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो, तीन, चार। ये एंगल होता है 109 डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट। ओके, तो ये सी एच फोर। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारे पास PCl5। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, वो डिस्कस भी करेंगे इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन। PCl5 तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते पहले हम। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है क्योंकि इसके सराउंड में 5 क्लोरीन। ओके, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, कितने सराउंडिंग एटम? 5। और क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? -1 हो या +1, हम 1 लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो ये आया 10/2 एंड दिस इज 5। ओके, अब बॉन्ड पेयर कितने होंगे और लोन पेयर? टोटल 5 है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, और फॉस्फोरस के सराउंडिंग में 5 क्लोरीन है, तो कम से कम 5 तो बॉन्ड बनेंगे। ओके, 5 टोटल में से 5 के 5 बॉन्ड में चले गए तो लोन पेयर 0। 5 का मतलब क्या है? AB5 फॉर्म। ओके, अगर आप पीछे टेबल में देखोगे तो वो ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाती है AB5 के लिए? ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल। और शेप क्या होती है? कोई लोन पेयर नहीं है तो शेप भी सेम रहेगी, शेप। अब ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप होती कैसे है? मैंने पहले भी हाइब्रिडाइजेशन में भी करा रखा है वैसे, तो तब भी देख लो। क्लोरीन, क्लोरीन ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई नहीं, क्लोरीन। तो ये तो पहले मैं ट्राइगोनल बना लो, देखो ये ट्राइगोनल बन गया। अब पिरामिड के लिए कलर चेंज करते हैं, ये 1 क्लोरीन एंड 2 क्लोरीन। देखो एक पिरामिड ये बन गया और एक पिरामिड ये बन गया। ओके, तो ये होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। और आपको पता होगा, मैंने वहाँ पे ही बताया था, इस एंगल को एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल एंगल, जो कि 90 डिग्री पे होते हैं, दिख भी रहा होगा फिगर में 90 पे। ओके, और इनको एक मिनट दूसरे कलर से लिख देते हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एंगल। और इक्वेटोरियल एंगल होता है 120 डिग्री। तो इक्वेटोरियल एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन आते हैं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कौन सा वीक होता है या कौन सा लॉन्गर देन होता है या किस में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ओके, तो ये मैं अभी लिखवाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में से कौन सा वीक होगा या कौन सा लॉन्गर होगा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और साथ के साथ यहाँ पे लोन पेयर नहीं है, उसके बाद भी देखो लोन पेयर नहीं है, उसके बाद भी यहाँ पे दो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स कैसे बन रहे हैं, क्या ये सिमेट्री स्ट्रक्चर है या अनसिमेट्री, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए एक नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। फर्स्ट पॉइंट कि जो एक्सियल एंगल होते हैं, एक्सियल एंगल्स या एक्सियल बॉन्ड बोल लो, एक्सियल बॉन्ड एंगल्स क्यों लिख दिया, एक्सियल बॉन्ड्स आर मोर रिपल्सिव देन, रिपल्सिव देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल्स बॉन्ड्स। याद रखना जो एक्सियल एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होती है। ओके, एंड या फिर बोल सकते हैं देयरफॉर, अगर रिपल्शन ज़्यादा है इक्वेटोरियल से तो देयरफॉर एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्सियल बॉन्ड होते हैं उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है
रिपल्शन ज़्यादा है तो वो लॉन्गर होंगे। तो ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि दोनों बोन में से कौन सा लॉन्गर है और कौन सा शॉर्ट। और साथ के साथ अगर एक्सियल बोन लेंथ ज़्यादा है तो वीक होंगे। ओके तो एक्सियल बोन वीकर देन इक्वेटोरियल बोन। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। अगर वो लॉन्गर है उनकी बोन लेंथ ज़्यादा है तो इसलिए एक्सियल बोन के आ जाते हैं वीक। तो पूछा था कि दोनों में से कौन सा बोन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक। तो इक्वेटोरियल स्ट्रॉन्ग है एक्सियल वीक है। अब पूछा जाता है किसकी बोन लेंथ ज़्यादा है तो एक्सियल की ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? उनमें रिपल्शन ज़्यादा होता है इक्वेटोरियल से। मीन्स एक्सियल जो बोन्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा है, रिपल्शन ज़्यादा है जिसके कारण उनकी बोन लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है PCL5 के लिए। ओके किसके लिए? PCL5 के लिए। अब नेक्स्ट PCL5 के लिए एक और नोट लिखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे एक और नोट देख लो, PCL5 के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। ओके PCL5 के लिए हमने देखो अभी PCL5 देखा, ये पी, ये क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ये ट्राइगोनल होता है और यहाँ पे दो पिरामिड बनते हैं। ओके दो पिरामिड बनते हैं, ये एक्सियल होते हैं और वो इक्वेटोरियल, अभी अभी पढ़ा है। तो इसी के बारे में लिख रहे हैं, देख लो इन PCL5 देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट, इसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। देयर इज नॉट डिस्टोर्टेड, देयर इज नॉट डिस्टोर्टेड हाउ एवर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इज नॉट कंप्लीटली रेगुलर, नॉट कंप्लीटली रेगुलर स्ट्रक्चर। सम बॉन्ड एंगल्स, इंपॉर्टेंट है नोट, सम बॉन्ड एंगल्स 90 एंड सम बॉन्ड एंगल्स 120 डिग्री। ये 120 लिखा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, इन PCL5 देर इज नो लोन पेयर प्रेजेंट। हमें पता है PCL5 में कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है और कोई भी डिस्टोर्टेड नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद भी जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल हैं ये कम्प्लीटली रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एंगल इसके 90 हैं और कुछ 120। अभी तक जितने स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट ना हो तो सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते थे। इसमें भी कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है पर बॉन्ड एंगल डिफरेंट क्यों है? ओके तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये इसलिए डिफरेंट है जो कि ये PCL5 है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता। तो इसका स्टेबल स्ट्रक्चर क्या है देख लो, तो इसके लिए ये देख लो, नीचे मैं लिख रहा हूँ फिर समझाते हैं। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स यूजली मोर स्टेबल देन अनसिमेट्रिकल वंस, अनसिमेट्रिकल वंस इन PCL5, इन PCL5 या PCL5 इज अनस्टेबल एंड इन सॉलिड फॉर्म इट स्प्लिट्स इंटू PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव
आयंस। ओके देखो, हमें पता है जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वो मोर स्टेबल होते हैं अनसिमेट्रिकल से। जो ये PCl5 है ये अनस्टेबल है, क्यों है? क्योंकि जब ये सॉलिड फॉर्म में स्प्लिट होता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव आयन, जो कि क्या होते हैं? सिमेट्री होते हैं। ओके, सॉलिड फॉर्म में ये PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव में ब्रेक होता है, स्प्लिट होता है, जो कि सिमेट्री है। ये वाला स्ट्रक्चर सिमेट्री नहीं है क्योंकि बॉन्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट है। कैसे स्प्लिट होगा ये देखते हैं, रिएक्शन करते हैं। देखो ये PCl5 था, ओके, किस में ब्रेक हो रहा है? PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। ये क्या है? ये अनसिमेट्री है। क्या है? अनसिमेट्री। और अनसिमेट्री वाला क्या होता है? अनस्टेबल। ये बैलेंस कर दिया मैंने, दो लगा दिया। और ये दोनों क्या है? एक मिनट, इनकी नाम भी लिख देंगे। ये दोनों क्या है? सिमेट्री। कैसे सिमेट्री अभी चेक करेंगे। सिमेट्रिकल है और इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल है। क्यों सिमेट्री है? देखो जो PCl4 पॉजिटिव है इसको ही अभी हम शेप ड्रॉ करेंगे, VSEPRC। ये होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल इक्वल होते हैं, कोई लोन पेयर नहीं होता, तो ये सिमेट्री हुआ। PCl6 नेगेटिव जो है ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में भी सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता, तो ये भी क्या हुआ? सिमेट्रिकल। तो जो PCl5 है, कोई भी पूछा आपसे कि PCl5 में बताओ दो डिफरेंट एंगल्स क्यों बन रहे हैं, तो आप बताओगे वो अनसिमेट्री स्ट्रक्चर है। ओके, इसलिए बन रहे हैं। तो इसका सिमेट्रिकल क्या होगा? वो होगा PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, वो भी सॉलिड फॉर्म में। ओके, सॉलिड फॉर्म में स्प्लिट हो जाता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव स्टेबल की तरफ, जो कि सिमेट्रिकल होता है। तो ये PCl5, देखो PCl4 पॉजिटिव का यहाँ पे ड्रॉ भी कर लेते हैं, सिमेट्री क्यों है? PCl4 पॉजिटिव, वही अपना फॉर्मूला, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कलर चेंज कर लेते पहले। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम फॉस्फोरस 5 होता है, प्लस सराउंडिंग का चार्ज -1 हो या +1, 1 लेते हैं। ओके, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या? एक इलेक्ट्रॉन गया है, गया मतलब -1, -1 कर दो। ओके, डिवाइडेड बाय 2। प्लस का मतलब क्या? तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है ना, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, मतलब -1। तो कितना हो गया? 5, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो गया? 4। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? फॉस्फोर के सराउंडिंग में 4 क्लोरीन है, तो 4 बॉन्ड पेयर हुए, तो लोन पेयर कितने होंगे? लोन पेयर क्या है? 0, क्योंकि चारों के चारों किस में चले गए? बॉन्ड पेयर में। तो तब बॉन्ड पेयर 4 हो तो ज्योमेट्री होती है टेट्रा हेड्रल, और शेप क्या होती है? सेम, क्योंकि कोई भी लोन पेयर नहीं है। और टेट्रा हेड्रल इसका कैसे बनेगा? ये रहा पी, ये रहा, सॉरी नीचे बना देते हैं, PCl4 पॉजिटिव ना, ये देखो ये रहा पी, 1 2 3, क्लोरिन 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 एंड क्लोरिन, PCl4 येरा पॉजिटिव टेट्राहेड्रल। सेम एज इट इज, अगर यहाँ पे PCl6 नेगेटिव का ड्रॉ करना है, सेम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस फॉर्मूले से सबके निकल जाते हैं। ओके, फॉस्फोरस का 5, क्लोरिन कितना है? 6, चार्ज कितना होता है? 1। माइनस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करें, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 6। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 6 क्लोरीन सराउंडिंग में, तो टोटल बॉन्ड पेयर 6 होंगे और लोन पेयर 0, कि टोटल में से दो, टोटल 6 थे, 6 के 6 बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर 0। तो इसके लिए ज्योमेट्री क्या होती है? अभी हम PCl5 के बारे में पढ़ रहे हो, वापस उसी के टॉपिक पर आ जाएंगे, पीछे जो चल रहा था। ज्योमेट्री होता है 6 के लिए ऑक्टाहेड्रल, टेबल देख सकते हो पीछे बना रखी है, ऑक्टाहेड्रल, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल। अब ये ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है देख लो, ये पी है, 1 2 3 4, तो हो गया PCl4, पर हमें किसका बनाना है? 6 का बनाना है, तो इसको दूसरे कलर से ले, देखो 1 क्लोरीन
दो क्लोरीन, इसको इससे मिला दो ठीक है, और इस पोर्शन को इससे, इसको इससे, सेम एज इट इज इसको इससे, और क्या इसको इससे, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टा हेड्रल, जो हम ये हम पढ़ेंगे भी। सब पे बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं? सारे 90 के, कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये सिमेट्री है। तो देखो यही हमारा क्वेश्चन था, जो PCl5 पे वहाँ पे बॉन्ड एंगल डिफरेंट डिफरेंट था क्योंकि अनसिमेट्री है, बट जब ये स्प्लिट होता है तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं जो कि क्या है, सिमेट्री। तो ये PCl5 इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ओके ये सारे पॉइंट्स कर लेना। तो अगला हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अगला स्ट्रक्चर आ रहा है हमारे पास SF6 का। अगला हम कर रहे हैं SF6 है? हमने सबसे फर्स्ट करा था BeCl2, फिर VF3CH4, PCl5। PCl5 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, इंपॉर्टेंट है कर लेना। एंड नेक्स्ट आता है SF6, अभी तक एक भी लोन पेयर वाला नहीं आया, वो आगे आएंगे। तो पहले इजी वाले हम कर रहे हैं, तो निकालते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल का। तो चार्ज वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन देखते हैं, तो सल्फर के वैलेंस सेल में कितने होते हैं? 6। और सराउंडिंग का क्या देखते हैं? चार्ज, फ्लोरिन पे चार्ज -1 हो या +1, 1 ही लेते हैं, फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा है। तो इसको करिए सॉल्व, ये आ जाएगा 6। बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, अब तो बता दोगे। तो बॉन्ड पेयर होंगे 6, क्योंकि सल्फर के सराउंडिंग में 6 फ्लोरिन है। टोटल में से 6 के 6 बॉन्ड में चले गए, और लोन में कितने बचे हैं? 0। ओके 6, ये AB6 उसी फॉर्म में, पीछे टेबल देख सकते हो। ओके AB6, तो बताओ ज्योमेट्री कितनी होती है? ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। देखो वैसे तो ये याद होनी चाहिए, ज्योमेट्री शेप जो फर्स्ट टाइम है वो एक टेबल कर सकता है, मैंने यहाँ पे बनाई है, देख लो, दोबारा बता देते हैं। ये रही, एक मिनट, ये रही AB6 के लिए देख लो, ये रही ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, दो होगा तो स्क्वायर प्लेनर, तीन होगा तो कोई नहीं लिखनी है शेप, बट यहाँ पे हमारे पास एक भी नहीं है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगी? सेम। ओके तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल कैसी होती है, अभी पीछे भी ड्रॉ कर रही थी PCl, उसमें 6 नेगेटिव, और यहाँ पे भी देख लो, सॉरी फ्लोरिन है, तो एक फ्लोरिन, दो फ्लोरिन, तीन एंड चार। पहले तो ये स्क्वायर बना देना है आपको, बिल्कुल ईजी है। ओके स्क्वायर ठीक है। अब किसी दो साइड पे एक फ्लोरिन ये रहा, एक ये रहा, इसको इससे मीट कर दो, इसको इससे, ये हो जाए तो कुछ नहीं है। देखो अब इस वाले को इससे, और इस वाले को इससे, सेम एज इट इज़ इस वाले को इससे, एंड इस वाले को इससे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो एक मिनट, और इस वाले को ये कहाँ चल चलने के, ये इससे, तो वापस वो कर देता हूँ मैं इसको सही से डार्क, ताकि पता चल जाए कौन सा कौन कौन सा है। तो ग्रीन वाले को डार्क कर देता हूँ मैं। और ये रहा वो ब्लू वाला, ये ब्लू। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये ऑक्टाहेड्रल कई कुछ बच्चों से बनता नहीं है, पीछे हाइब्रिडाइजेशन में भी बनाया था हमने। तो ये ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये आपने कहीं देखी भी होगी किसी सीरियल्स वगैरह या कहीं पे भी या गूगल वगैरह पे। ओके तो यहाँ पर देखो ये होता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा हाइड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं? सारे 90। ओके याद रखना 90 के होते हैं। एंड नेक्स्ट आता है IF7, फिर उसके बाद हम करेंगे लोन पेयर्स वाले IF7। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम आयोडीन 17 ग्रुप का 7 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सराउंडिंग पे चार्ज कितना हो जाएगा? 1, -1 हो या +1, 1 लेते हैं, तो ये आ गया 7। किस फॉर्म में? ये AB7 पीछे लिखवाया था। ओके तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, और 7 सराउंडिंग एटम में, तो सारे के सारे बॉन्ड पेयर में चले गए। 7 तो बॉन्ड होंगे, होंगे ही, 7 फ्लोरिन है, तो लोन पेयर कितने हुए? 0। ओके देखो आयोडीन के सराउंडिंग में 7 फ्लोरिन है, तो मिनिमम 7 बॉन्ड तो होंगे, टोटल में से 7 के 7 बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर 0। तो 7 के 7 चले गए, तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री टेबल में बता रखी है, पेंटागोनल
पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ओके। एंड शेप कोई लॉन पेयर नहीं है तो सेम रहेगी, ये पूछा नहीं जाता तब भी देख लो। तो कैसे होती है देखो, ये आई है पेंटागोनल बना लो, पहले पेंटागोनल बना लेते हैं, ये 1, 2, 3 एंड 4, ये आयोडीन है 2, 3, 4 एंड 5, एक फ्लोरीन यहाँ पे होगा 2, 3, 4, 5। देखो एक बॉन्ड इसके आयोडीन के ऊपर है, एक नीचे है, तो उसके ऊपर वाले को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे करके ऐसे एक ऊपर है और नीचे वाला यहाँ से दिखा देते, एक नीचे है। तो ये इसमें भी ये एक्सियल है, ओके एंगल, और वो वाले इक्विटोरियल। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल इनका तो 90 है और उनका 72 डिग्री, ओके 90 एंड 72। तो ये पेंटागोनल बाय पिरामिडल पूछा नहीं जाता, तब भी पता होना चाहिए आपको। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूल की शेप हमने ड्रॉ करी है, अभी तक एक भी लोन पेयर वाला नहीं था। अब जितने भी आएंगे यहाँ पर, ओके अब जितने भी केसेस आएंगे यहाँ पे, सारे के सारे क्या आएंगे, जिनमें लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ओके। अब वो करेंगे हम, लोन पेयर वाले करते हैं अगले पेज से। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, अगला लेते हैं जिसमें लोन पेयर्स भी होते हैं, जैसे कि SO2, ओके SO2। इसकी शेप क्या होगी, पहले वही अपना रूल, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम सल्फर पे 6 होते हैं, प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम। देखो मैंने बताया था चार्ज +1 हो, सॉरी +2 हो या -2 हो, या +3 हो या -3 हो, सबको क्या लेते हैं, जीरो, ओके पीछे फॉर्मूले में बताया था। तो चार्ज इसका कितना हो जाएगा, जीरो। -1 और +1 को 1 लेंगे, उसको छोड़कर सभी चार्ज को हम यहाँ जीरो मान के चलते हैं इस फॉर्मूले में। एक ट्रिक है, डिवाइड हुआ कितना आया, 3। अब सल्फर देखो इसमें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होंगे, सल्फर 2 ऑक्सीजन से अटैच है तो मिनिमम 2 तो बॉन्ड होंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 तो चले गए बॉन्ड पेयर में और बचा हुआ एक लोन पेयर में। तो ज्योमेट्री बताओ, देखो ज्योमेट्री तब 3 आते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Ab3 तीन आते हैं, तो क्या होती है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। बट एक लोन पेयर आने के कारण शेप क्या हो जाएगी, जब ट्राइगोनल प्लेनर वाले में एक लोन पेयर हो तो शेप हो जाती है बैंड, जिसको वी शेप भी लिखवाया था, ओके बैंड और वी शेप। अब ये वी शेप होती कैसे देख लो, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये उसका एक लोन पेयर, ये होती है उसकी वी शेप, ओके। अगला नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि NH3, ओके NH3 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको ये फॉर्मूला, ये छोटा सा बेसिक ट्रिक अगर पता है तो सारी शेप्स ड्रॉ कर सकता है VSEPR से। तो नाइट्रोजन के वैलेंस, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम 5 प्लस सराउंडिंग का चार्ज 1, 3 × 1 3 हाइड्रोजन है, ओके डिवाइडेड बाय 2 तो आया 4। तो बताओ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने हैं, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच है तो 3 तो बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर होगा 1, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर में चले गए और एक चला गया लोन पेयर में। कि कैसे पता करते हैं, सेंट्रल एटम से सराउंडिंग में कितने एटम अटैच है, 3, तो 3 तो मिनिमम बॉन्ड हुए, बचे हुए सारे लोन पेयर में चले गए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री देखो, 4 का मतलब होता है, ये Ab4 टेबल पीछे करवा रखा है देख सकते हो, 4 ये Ab4 क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्रा हेड्रल, ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्रा हेड्रल। एक लोन पेयर आने के कारण शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल, देख सकते हो टेबल में, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ये ट्राइगोनल पिरामिडल होती कैसी शेप देख लो, यहाँ पर ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये नीचे पिरामिड बन रहा है और एक ये रहा उसका लोन पेयर, ओके। नेक्स्ट देख लो, जैसे कि NF3 सेम है ये भी एज इट इज, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, -1 होता है हम +1 लेते हैं, -1 हो या +1 हो हम 1 ही लेंगे, डिवाइडेड बाय 2, कट कर आया ये
फोर। ओके अब बताओ बॉन्ड में कितने गए हैं, नाइट्रोजन तीन फ्लोरीन से तो तीन तो गए बॉन्ड में, और लोन पेयर में गया वन। ओके तो ज्योमेट्री चार के लिए क्या होती है, ए बी फोर। चार के लिए ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड शेप, शेप वही जो ऊपर लिखी है ये रही, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। अब ये ट्राइगोनल पिरामिडल कैसे होती है, नाइट्रोजन है देन फ्लोरीन, फ्लोरीन ये पिरामिड बन रहा नीचे और ऊपर इसका एक लोन पे। ओके तो ये होती है ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे कि हम करते हैं वाटर H2O, तो देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। अब H2O में सेंट्रल एटम कौन है, कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग में दो हाइड्रोजन है। ओके तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो मतलब सिक्स होता है ऑक्सीजन में, प्लस सराउंडिंग वाले का चार्ज लेते हैं, दो हाइड्रोजन है चार्ज क्या हो जाएगा वन, तो डिवाइडेड बाय टू। तो चार्ज को यहाँ पे चाहे माइनस वन हो या प्लस वन हो, वन लेंगे, माइनस टू प्लस टू माइनस थ्री प्लस थ्री को जीरो लेते हैं, तो ये आ गया है फोर। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे और लोन पेयर कितने होंगे, ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से तो मिनिमम दो तो बॉन्ड होंगे, बचे हुए चार में से दो लोन पेयर में चले गए। अब फोर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, पीछे देख सकते हो टेबल में, टेट्राहेड्रल, टेट्रा हेड्रल, और तब दो लोन पेयर आ जाए टेट्राहेड्रल में तो शेप हो जाती है बैंड, और वो बैंड शेप कैसे होती है, ये रहे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये आ गया दो लोन पेयर, ये होती है बैंड शेप, क्या होती है ये बैंड शेप, ये एंगल होता है 104 डिग्री। ओके 104 डिग्री याद रखना। अब करते हैं अगला, हम नेक्स्ट करने से पहले यहाँ पे एक नोट देख लो इम्पोर्टेंट, ये पूरा लिख देते हैं, वैसे ये 104 डिग्री 27 मिनट होता है, पूरा लिख लो, ये 104 डिग्री 27 मिनट। ओके तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, बेंट वाली शेप कि यहाँ पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तब भी बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हो गया, हमने पोस्टलेट्स में पढ़ा था, दोबारा पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक लोन पे है दूसरे लोन पे है, बॉन्ड एंगल है ये 104 डिग्री 27 मिनट। अब यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था कि जो लोन पेयर रिपल्शन होती है, ये जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ ये लोन पेयर रिपल्शन है, ग्रीन ये जो ब्लू से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, ब्लू वाली इस साइड भी हो रही होगी। ओके और यहाँ से दूसरे कलर से दिखाता हूँ मैं रेड से, ये है बॉन्ड पेयर रिपल्शन, कौन सी रिपल्शन है बॉन्ड पेयर। और हमने पढ़ा है देखो जो लोन पेयर रिपल्शन होती है वो ग्रेटर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, और ये ग्रेटर होती है बॉन्ड पेयर, ये पोस्टुलेट है VSEPR थ्योरी का। ओके तो मतलब जो ग्रीन वाली रिपल्शन है लोन पेयर वो ग्रेटर होगी ब्लू वाली से, क्योंकि वो कौन सी है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और जो रेड वाली है लास्ट में बॉन्ड पेयर, तो लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये हमारी बॉन्ड पेयर, ये ग्रीन वाली है लोन पेयर, और जो ये रेड वाली है रेड को रेड से लिख देते हैं यहाँ पर। ओके रेड वाली जो है वो है बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि H2 में बताओ ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हो गया, तो यहाँ पे लिख देता है इन H2O देयर इज टू लोन पेयर प्रेजेंट, देयर इज टू लोन पेयर शॉर्ट में लिखा है प्रेजेंट, लोन पेयर रिपल्शन, द लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये पोस्टुलेट से ये ऑर्डर हमें पता ही है, ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड विच इज ग्रेटर देन,
ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, विच इज ग्रेटर देन, एक मिनट, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, सो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल रिड्यूस, कितना हो गया रिड्यूस हो गया, 104 डिग्री 27 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, 104 डिग्री 27 मिनट फ्रॉम टेट्राहेड्रल में कितना होता है वो, 109 डिग्री 28 मिनट। तो पूछा जाता है कि बताओ बॉन्ड एंगल यहाँ पे रिड्यूस क्यों हो गया, क्योंकि देखो ये ग्रीन वाली रिपल्शन ज़्यादा है, तो वो जो ये जो लोब्स हैं, मतलब ये जो लोन पेयर है, इस तरफ रिपल्शन करेंगे, ओके इस तरफ रिपल्शन करेंगे तो नीचे वाले जो बॉन्ड है उनका बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की रिपल्शन ज़्यादा है, वो रिपेल करके उसको नीचे की तरफ ले आएंगे और बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट करते हैं, पीछे वाला भी देख लो, एक पीछे भी हमने NH3 का भी पढ़ा था, एच एंड एच, इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ पे एक लोन पेयर आया था, तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 160 डिग्री 48 मिनट। तो यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल क्यों रिड्यूस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख लो जो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये ग्रीन वाली, हमें पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन होती है बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज़्यादा है, ऊपर से देखो रिपल्शन ज़्यादा है तो नीचे के बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाते हैं, ओके। पिछले केस में दो लोन पेयर थे इसलिए रिपल्शन और भी ज़्यादा थी, तो एंगल और ज़्यादा रिड्यूस हो गया था। तो सेम रीज़न है जो पीछे हमने पढ़ा है, ओके। तो वही लिखना है आपको। नेक्स्ट करते हैं, जैसे कि S2S, तो यहाँ पे एंगल का पूछा जाए तो आप लिख सकते हो कभी भी S2S, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल कोन इज S6 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 4। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे, बॉन्ड पेयर हुआ 2। अब तो डायरेक्ट डायरेक्ट जल्दी कर दोगे, बस एक बार वो टेबल भी देखते रहना, फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं। बॉन्ड पेयर हुआ 2 और लोन पेयर हुआ 4 में से 2। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप, दो आ जाते हैं लोन पेयर तो बैंड, और बैंड शेप कैसे होती है, सल्फर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दो लोन पेयर है ना, सॉरी दो लोन पेयर है, तो एक मिनट, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, ये रहा, तो ये होती है हमारी बैंड शेप, ओके। तो अगला करते हैं, अगला देख लो, SF4। अब यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम सल्फर 6 होते हैं प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, 4 फ्लोरीन है, चार्ज 1 हो गया डिवाइडेड बाय 2 5, ओके। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितने, यहाँ पे बॉन्ड पेयर देखो 4 है, क्योंकि 4 फ्लोरीन अटैच है, और बचा हुआ 1 किस में चला गया, लोन पेयर में। 5 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है, AB5, ओके AB5, ओके ये चेक करते हैं, देखो 5, ये टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको रिप्रेजेंट करता है 5B को, ओके। तो 5 के लिए ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, पिरामिडल अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाती है सीसो, ओके। अब वो कैसी शेप होती है, देखो ये सल्फर फ्लोरीन 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 और एक ये लोन पेयर, ओके। तो ये सीसो शेप होती है, इसको अगर मैं डॉट डॉट करके देखो ड्रॉ करूँ तो ये ज्योमेट्री वही बन जाएगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिड वाली, डॉट 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 करके दिखा रहा हूँ, तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिड वाली, ओके। तो ये होती है सीसो शेप। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है IF4+, तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम आयोडीन है 7 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम 4 फ्लोरीन है चार्ज 1, प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन निकल गया डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 10/2 5,
बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर चार, क्योंकि चार फ्लोरीन अटैच है, तो एक बचा लोन पेयर में। ज्योमेट्री पांच के लिए क्या होती है? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर एक लोन पेयर आ जाए तो शेप हो जाती है सी सो। ओके, कैसी शेप होती है? अभी पढ़ा था ये आयोडीन, फ्लोरीन, 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 देन फ्लोरीन और एक लोन पेयर। तो बच्चे वो पॉजिटिव यहाँ पे दिखा दे सकते हो आप। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम CLF3। तो इसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लो पहले, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन सेंट्रल एटम के 7 प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, 3 फ्लोरीन है डिवाइडेड बाय 2। ओके, दो तीन क्वेश्चन कर लो, उसके बाद सारी शेप्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट नेम पता होने चाहिए शेप्स के। ओके, पहली बार करोगे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, फिर क्लियर हो जाएगा सब। तो ये आ गया 5। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर आया यहाँ पे 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 2। तो 5 के लिए ज्योमेट्री तो होती है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, देन शेप क्या हो जाती है अगर दो लोन पेयर हो? टेबल में देख सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा है, दो लोन पेयर होता है शेप हो जाती है टी शेप। अभी टी शेप होती कैसी है? देखो ये क्लोरीन सेंट्रल एटम है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, एक लोन पेयर एंड दूसरा लोन पेयर, तो ये होती है टी शेप। अगर इसको आप डॉट डॉट करके मिलाओगे देखो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाएगी वापस, ये भी। ओके, तो ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल तो ज्योमेट्री है, टी इसकी शेप है। नेक्स्ट XCF2, नेक्स्ट आ रहा है XCF2, एक मिनट यहाँ से इसको सही से लिख दूँ, XCF2। तो XCF2 देख लो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ज़ेनॉन 8 होते हैं नोबल गैस, प्लस सराउंडिंग का चार्ज 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 5। बताओ बॉन्ड पेयर कितने हैं? एक्सी दो फ्लोरिंग के साथ है, दो बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर कितने हुए हैं बचे हुए? 3। तो 5 के लिए ज्योमेट्री तो होती है वही जो भी हमने पीछे पढ़ी है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, एंड जो शेप होती है, शेप होती है यहाँ पर 3 लोन पेयर आते तो लीनियर, कौन सी होती है? लीनियर, इंपॉर्टेंट है देख लो ये। अब लीनियर शेप कैसी होती है? ये एक्सी हमारे पास, एक्सी है ना, फ्लोरिन एंड फ्लोरिन, तो एक लोन पेयर तो आ गया ये नीचे, एक ये आ गया दूसरा एंड तीसरा, तो ये होती है देखो लीनियर शेप दिख भी रही है हमें। अगर ट्राइगोनल बाय पिरामिडल इसकी ज्योमेट्री देखो ये दिख जाएगी आपको, डॉट डॉट करके दिखा देते हैं, तो ये रहा ट्राइगोनल और दो पिरामिड, एक पिरामिड और ये दूसरा पिरामिड, तो ये होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री और शेप होती है लीनियर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है I3-, जिसको ऐसे भी लिखते हैं I2-। ओके, हाइब्रिडाइजेशन में भी इसको करा है, यहाँ पे भी कर लेते हैं, जिसने वाली वीडियो देख रखी है तो वो देख के बता सकते हैं क्या शेप होती है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूँ, देखो I3- में एक सेंटर में होगा आयोडीन, और तो दो सराउंडिंग में हो गए, कॉमन सी बात है, 3 में से एक सेंटर में होगा और दो सराउंडिंग में, तो सेंट्रल एटम कितने में? एक आयोडीन है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है आयोडीन पे? 7। सराउंडिंग में कितना आयोडीन है? दो, अगर एक सेंटर में तो दो किस्म हो गए सराउंडिंग में, और चार्ज कितना होता है उसमें? वही 1 लेते हैं, -1 हो या +1। नेगेटिव का मतलब एक इसने गेन करा है एंड डिवाइडेड बाय 2। दोबारा बता देता हूँ, एक आयोडीन सेंटर में जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिए, दो आयोडीन सराउंडिंग में जिसको 2 × 1 लिया है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है, तो ये हो गया टोटल 10/2 एंड 5। बॉन्ड पेयर कितने होंगे?
लोन पे है। अगर सेंटर में एक है, देखो सेंटर में एक आयोडीन है, उसके सराउंडिंग में दो हैं, ओके। तो देखो मिनिमम दो बॉन्ड तो होंगे सेंटर वाले से, कितने बॉन्ड होंगे मिनिमम? दो बॉन्ड। तो मिनिमम कितने बॉन्ड होंगे? दो बॉन्ड, एक मिनट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो मिनिमम दो बॉन्ड तो होंगे, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? दो। बचे हुए सारे किस में चले गए? लोन पेयर में। बचे हुए किस में चले गए? लोन पेयर में। दोबारा बता देते हैं, देखो इस आयोडीन के साथ मिनिमम दो आयोडीन है, यहाँ पर दिख भी रहे हैं, तो मिनिमम दो बॉन्ड तो होंगे, बचे हुए सारे लोन पेयर्स में। तो ज्योमेट्री देख लो, अब यहाँ पर ज्योमेट्री क्या होगी मॉलिक्यूल की? तो ज्योमेट्री होती है पांच के लिए, ये फाइव है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल। शेप क्या होगी यहाँ पर? पीछे ही करिए, अगर तीन लोन पेयर आ जाए शेप हो जाती है लीनियर। क्या जाती है? लीनियर। अब ये लीनियर शेप कैसी होती है देख लो, एक आयोडीन है, इसके सराउंडिंग में दूसरा आयोडीन, ये तीसरा, ये सेंटर वाला है, ये वाला सेंटर वाला है, ओके। तो ये सेंटर वाला, इसके पास कितने लोन पेयर हैं? तीन। एक लोन पेयर, दो लोन पेयर एंड तीन लोन पेयर, और चार्ज यहाँ पे दिखा दो नेगेटिव। तो ये होती है हमारी लीनियर शेप I3 नेगेटिव की, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हम BrF5, BrF5। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी बी आर एम बी लिख दिया, सॉरी सॉरी। तो एक मिनट दोबारा से लिखते हैं, BrF5, ओके। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पे निकालू, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ब्रोमीन 17 ग्रुप से होता है, 7 प्लस सराउंडिंग के कितने? 5 फ्लोरीन है, एक इस पे चार्ज होता है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कट के आया है कितना? 6, 12/2, 6। किस फॉर्म में? Ab6। इसको चेक करते हैं, ये वाला बी होता है वो 6, ओके। तो बताओ बॉन्ड पेयर कितने होंगे? बॉन्ड पेयर ब्रोमीन के साथ 5 फ्लोरीन, तो मिनिमम 5 तो बॉन्ड होंगे, टोटल में से 5 बॉन्ड में चले गए, तो लोन पेयर में 1, ओके। तो देखो टोटल 6 के लिए ज्योमेट्री तो होती है ऑक्टाहेड्रल, जो हमने पीछे ही पढ़ लिया, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल होती है। तो शेप क्या होगी अगर एक लोन पेयर आ जाए? ये हो जाता है स्क्वेयर पिरामिडल, स्क्वेयर पिरामिडल। अब ये स्क्वेयर पिरामिडल शेप कैसी होती है देख लो, ये ब्रोमीन है, पहले स्क्वेयर बनाना आपको, 1, 2, 3 एंड 4, एक फ्लोरीन, दो फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन एंड चार। तो पहले स्क्वायर बना लो, ये हो गया स्क्वायर। अब पिरामिड बनाना है देखो, तो एक तरफ ये दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, एक तरफ फ्लोरीन ले रहे थे, ये बन गया है पिरामिड, इसको और सही से लिख लो, येलो, ओके। तो ये क्या हो गया है पिरामिड, और एक तरफ क्या हो जाएगा? लोन पेयर। एक तरफ क्या आ जाएगा? लोन पेयर। ये होता है स्क्वायर पिरामिडल शेप, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ये फ्लोरीन को ऐसे दिखाना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रोमीन 4 फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन वाले, ओके। एक तरफ ऐसा फ्लोरीन छोड़ सकते हो और एक तरफ ऐसा लोन पेयर दिखा सकते हो, ऐसे भी बुक्स में दिखाया होता है, ओके। जो नहीं है अंदर वाली लाइन्स आप यहाँ पर ड्रॉ करो। तो ये होती है स्क्वेयर पिरामिडल शेप। अगला देख लो XCF4, स्क्वेयर प्लेनर वाला एक बच्चा हुआ है लास्ट हमारा, वो भी कर लेते हैं उसका एग्जाम्पल, जैसे कि XCF4। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ पर निकालूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ज़ेनॉन 8 होता है, ओके। चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम 4 × 1/2, तो कट कर आया 6। अब बताओ बॉन्ड पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर है यहाँ पर 4, कि ज़ेनॉन के साथ 4 फ्लोरीन है, और बचे हुए दो किस में चले गए? लोन पेयर में। ज्योमेट्री 6 के लिए ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। तो शेप क्या हो जाती है? शेप हो जाती है अगर दो लोन पेयर आ जाए, स्क्वेयर प्लेनर, स्क्वेयर प्लेनर, ओके। तो शेप क्या हो जाती है? स्क्वेयर प्लेनर। तो ये होगी शेप, स्क्वेयर प्लेनर शेप कैसी होती है देख लो, ये ज़ेनॉन है, 4 पहले फ्लोरीन कर दो, 1, 2, 3 एंड 4, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये बन गया स्क्वेयर। अब प्लेनर कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया देखो, एक लोन पे दूसरा लोन पे, तो ये होती है हमारी स्क्वायर प्लेनर शेप्स, ओके। अब ये हर टाइप के एग्जांपल हमने यहाँ पे कर लिए,
तो ये थी हमारी पूरी वी एस सी पी आर थ्योरी। वी एस सी पी आर थ्योरी हमें शेप्स बनाना सिखाती है, कैसे सिखाती है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस हो, चाहे किसी पर चार्ज हो पॉजिटिव नेगेटिव, हमने हर टाइप से कर लिया है। तो आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस, तो आप हर टाइप के मॉलिक्यूल्स की शेप बता सकते हो। तो ये वीडियो हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।